The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। कुछ तो कमी है। आप क्यों बहुत थका थका महसूस करते हैं? क्यों आपके शरीर के अंदर कुछ स्टेमिना नहीं रह गया, कुछ काम करा नहीं जाता, कुछ सोचा नहीं जाता? ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है और आजकल की दुनिया में तो बहुत कॉमन हो गया। मेंटल स्टेमिना या फिजिकल स्टेमिना, लोगों का फोकस करने की क्षमता, लंबे पीरियड तक काम करने की क्षमता, जो पहले कर पाते थे अब नहीं कर पाते। कई लोगों के फिजिकल स्टेमिना जो खत्म हो गए हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे या दिक्कत हो रही है, थक जा रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा, ऐसे कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, सवाल पैदा होता है। अगर आपको भी इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं कि यानी कि बहुत ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि रोज़ ही, कभी कभी थक रहे हो, ज़्यादा जल्दी थक रहे हो, या आप इस प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो मेंटली या फिजिकल लेवल पे, तो इसका कुछ बेसिक कारण हो सकते हैं। नंबर एक, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर अपने बॉडी को एक्सरसाइज नहीं देते, अगर आप एक्सरसाइज नहीं देते, धीरे धीरे आपकी मसल लेवल्स कम होने लग जाती है, धीरे धीरे आपकी बॉडी की आदत खत्म हो जाती है। उसके बाद जब एक बार आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, स्टेमिना खत्म हो जाता है, राइट? और इसके अलावा कई सारी अंडरलाइंग मेडिकल बीमारियां हो सकती हैं जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि फिजिकल और मेंटल। डिप्रेशन भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और कई सारी दवाई मेडिकल बीमारियां हो सकती हैं। सो ऐसे में आपको सबसे पहले असेस करना है अपना लाइफस्टाइल, सबसे बड़ा कारण कि भी ऑनेस्टली अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक के कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। पहला स्टेप है लाइफस्टाइल करेक्शन, राइट? हो सकता है आप गड़बड़ करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, दारू पीते हो, कोई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स वग्स कुछ ले रहे हो, राइट? एक्टिविटी नहीं ले रहे, कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई खांसी की या एंटी हिस्टामिन जिससे नींद आ रही है, या सोते ही नहीं ढंग से, या बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा खा रहे हो और मोटे होते जा रहे हो। तो इन चीज़ों को, बेसलाइन चीज़ों को करेक्ट करना इज स्टेप वन। सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं कि अगर आपका स्टेमिना कम है, लो स्टेमिना है आपका, तो आप जो है एग्जर्शन अगर करने पे ही दिक्कत आ रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डेली बेसिस की धीरे 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 ऐसी कई सारे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन करना, लाइफस्टाइल ठीक करना, कुछ सप्लीमेंट्स लेना, जिससे धीरे धीरे आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। सो ऐसे नेचुरली कई स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा है कोरियन जिनसिंग, बहुत ही ज़ोरदार चीज़ है कोरियन जिनसिंग। एक प्लांट है जो कोरिया, चाइना, साइबेरिया में पाया जाता है। ये एक एडेप्टोजेन है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो बिलीव किया जाता है कि ये स्टिमुलेट करता है बॉडी का रेजिस्टेंस टू स्ट्रेसर्स, यानी स्ट्रेस को झेलने की क्षमता आपकी बढ़ा देता है। और इसी का नाम है, दूसरे कई सारे नामों से जाना है, पेनाक्स जिनसिंग इसी का नाम है। इसके अंदर मैनी कई सारे एक्टिव केमिकल्स हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जो एक तो है पेनाक्सोसाइड और जेनसिनोसाइड। अब इस चीज़ को आप अगर खाते हैं तो आपकी मेमोरी, आपकी थिंकिंग स्किल और डिप्रेशन और कई सारी बीमारियों में, बिकॉज स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के डेट में, तो स्ट्रेस को हार्ट अटैक से भी जोड़ा गया। अगर आप रेगुलरली स्ट्रेस में हैं, नींद अच्छे से नहीं लेते, तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो इस चीज़ में ये बहुत काम करता है। सो अगर आपको मेमोरी और थिंकिंग, कॉग्निटिव फंक्शन में कुछ इशू है, तो ये सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा। इस सप्लीमेंट को आप एक हेल्दी इंडिविजुअल, यंग एडल्ट्स, मिडिल एज एडल्ट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ओल्ड एज वाली जो मेमोरी होती है, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो गए तब वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। सो आप इसे, इस को आप ले सकते हैं मेमोरी को इन्हांस करने में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी कोरियन जिनसिंग जो है बहुत इफेक्टिव देखा गया है। इसके अलावा फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोरियन जिनसिंग एक तरीके से अश्वगंधा, कोरियन साइड का अश्वगंधा मान सकते हैं इसको, कोरिया का, ठीक है? सो अश्वगंधा के ऊपर के बेनिफिट्स आप जानते ही हैं, बहुत सारे वीडियोस उसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, हमारे भी, कई सारे लोगों के भी, और उसके कई सारे रिसर्च भी है।
वैसे ये कोरियन जिनसिंग जो है, ये थोड़ा सा उसी का एक वेरिएशन है, जो कि फ्लू में भी काम करेगा, मेंटल फटीक, फिजिकल फटीक, या कोई बीमारी की वजह से आपको कमजोरी रह रही है तब भी काम करेगा, और सेक्सुअल फंक्शन भी आपके बेटर करेगा, सेक्सुअल अराउजल या पोस्ट मीनोपॉजल सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल डिज़ायर, इन सब में मेल फीमेल दोनों में हेल्प करता है। और लेकिन ये जो चीज़ है ये आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, ये जो चीज़ है वो आप एथलेटिक्स जिम में बॉडी बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करिए इसको, ये आपके फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है बट नॉट दैट। क्या ये सेफ है? कोरियन जिनसिंग जो है सेफ है अगर आप इसे 3 से 6 महीने तक लेते हैं, तो 6 महीने मैक्सिमम, और अगर इसे 6 महीने से ज़्यादा लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होने के रिस्क है, हॉर्मोन लाइक इफेक्ट्स आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसका है कि हो सकता है इससे आपको नींद में कुछ इशू आए, अगर आता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। और अनकॉमनली साइड इफेक्ट्स में आपको कुछ रैश या लिवर पे दिक्कत या एलर्जिक रिएक्शन आने के रिस्क हो सकते हैं, सो ये अनकॉमन है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अपने डॉक्टर से पूछ के शुरू करें, हमेशा एक डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें। पेनांग जिनसिंग जो है 200 मिलीग्राम से 3 ग्राम तक लिया जा सकता है अप टू 12 वीक्स यानी कि 3 महीने तक या 6 महीने तक मैक्सिमम, मगर जैसा मैंने बताया इसे अपने डॉक्टर से पूछ के ही लेना है। और इसको चमड़ी के ऊपर अगर आप लगाते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो वो बहुत रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी कि भाई उसके कोई फ़ायदे हैं कि नहीं है, लेकिन वो इरिटेंट हो सकता है, बर्निंग कर सकता है, तो उसे स्किन के ऊपर ना लगाएं, इसे ओरली आप ले सकते हैं। प्रिकॉशन रखने, प्रेग्नेंट लोग, ब्रेस्ट फीडिंग या छोटे बच्चे जो हैं इसको ना लें, क्योंकि इसके ऊपर अभी पूरी तरह से रिसर्च नहीं हुआ है कि उनके केस में 100% सेफ है या नहीं, सो इसके लिए छोटे बच्चे और इन चीज़ों में रादर कुछ साइड इफेक्ट होने का रिस्क है तो वो लोग ना लें। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर थकावट आपको होती है तो कोरियन जिनसिंग आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड यू विल सी द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।